डॉक्टर और अस्पतालों का टोटा है। इन सारी चीजों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार है नहीं और इस पर आप लोग बोलेंगे नहीं। एक व्यक्ति जो मदद कर रहा था उसको उठाकर जेल में डाल देंगे और ये कहेंगे कि दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन नहीं कर रहा था, तो धन्य है प्रभु आप लोग। पूरे कोरोना काल में नेता रैलियां करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार स्थिति बिगड़ती रहे, नेता घर से ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नेता अगर मदद करने के लिए पहुंच गया फिर आपको आप उसको जेल में डाल देंगे। जितने भी नेता यहां पर बैठे हुए हैं वो किसी रैली को संबोधित करने नहीं आए हैं कि एंकर बैठ कर ध्यान से उनको सुनेगा। पलट के सवाल तो पूछूंगी ना, मैं रैली में थोड़ी ना आई हुई हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। पूरे कोरोना काल में नेता रैलियां करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार स्थिति बिगड़ती रहे, नेता घर से ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नेता अगर मदद करने के लिए पहुंच गया फिर आपको आप उसको जेल में डाल देंगे। चित्रा जी, 25 मिनट आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को दिए और मुझे ये पता है चाहे जो भी व्यवस्था हो क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में आरोपों का जवाब देने का वक्त भी नहीं है। मुझे आरोपों पर कुछ समय दे दीजिए, इतनी कृपा तो आप कर ही सकती है सर। कृपा करने की बात नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर सकती हूं। लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है कि जितने भी नेता यहां पर बैठे हुए हैं वो किसी रैली को संबोधित करने नहीं आए हैं कि एंकर बैठ पर ध्यान से उनको सुनेगा। पलट के आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना सर। वक्त की कमी नहीं, पूरा नहीं हुआ राजीव रंजन जी। देखिए आप लोगों की बहुत दिक्कत हो गई है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी से बाहर उठिए। आप बड़े नेता है राजीव रंजन जी, हल्की बातें शोभा नहीं देती हैं। और व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है बिहार के लोगों का भला नहीं होगा। चित्रा त्रिपाठी पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करके निकल जाएंगे, इससे बिहार के लोगों का भला हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, आप बताइए ना सर प्लीज। पलट के सवाल तो पूछूंगी ना, मैं रैली में थोड़ी ना आई हुई हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। बोलिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए ना प्लीज। चित्रा जी, अगर आप 25वें मिनट में कोई सवाल कर रही है तो मेरा जवाब तो लेंगी आप। मैंने तो आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है, आप पर जिन्होंने भी आरोप लगाया हो मैंने तो आप पर कभी आरोप नहीं लगाया, ना मेरी ये आदत है। मैंने तो आप पर आरोप नहीं लगाया है, आपने सवाल रखे हैं उनका जवाब देने का वक्त तो दीजिएगा। मैंने बस इतना कहा, पप्पू जी अभी तक लंबी सजा जेल में ही काट रहे हैं और उसके बाद बाहर आए हैं तो मुकदमे उन पर, कई मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से किसी एक मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरी तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सम्मान सबों को करना है। और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के अभी तेज प्रताप भी गए थे अस्पतालों में और वहां जाकर के उनके साथ भी हुजूम था। अगर आप किसी एक व्यक्ति को रेमडेसिविर दे रहे हैं, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, यह मानवता से भरा कदम है। लेकिन उसके लिए आपको इतने बड़े दल के साथ जाना, ताम झाम के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ जाना जिससे कई लोग कोविड के इंफेक्शन के शिकार हो जाए, इससे परहेज सबको करना चाहिए। मदद करने के हम सबों के तौर तरीके हैं, लेकिन मदद करने के लिए बाजाप्ता खुद की ब्रांडिंग, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा कंपेन इसके लिए आवश्यक नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कालाबाजारी चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, इस विवाद में 25 मिनट लग गया, लेकिन कालाबाजारी अगर किसी भी राज्य में है, चाहे वहां सरकारें कांग्रेस की हो, हमारी हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। और वो सरकार अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका रिश्ता चाहे कांग्रेस से हो। ठीक है सर, अब जरा आगे बढ़ते हुए मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपको भी बहुत देर से मौका नहीं मिला है। लेकिन राजीव रंजन जी आप सुन लीजिए, अस्पताल में बिहार के भूसा भरा होता है। पीएम केयर फंड से जो वहां पर मशीनें जाती हैं मरीजों के लिए, उसको पूरी तरह से पैक करके सजावट का सामान बनाकर अस्पताल में रखा गया है। कई ऐसे अस्पताल जो करोड़ों करोड़ों के हैं तालाबंदी है क्योंकि डॉक्टर उसके भीतर नहीं है। डॉक्टर और अस्पतालों का टोटा है। इन सारी चीजों के लिए विपक्ष तो जिम्मेदार है नहीं और इस पर आप लोग बोलेंगे नहीं। एक व्यक्ति जो मदद कर रहा था उसको उठाकर जेल में डाल देंगे और ये कहेंगे कि दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन नहीं कर रहा था, तो धन्य है प्रभु आप लोग। अब मैं सीधे आ जाती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी आपके, उनका ये कहना है कि ये जो ट्विटर के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं ना पूरी तरह से झूठे और अनर्गल हैं, कोई काम ही नहीं है। तेजस्वी जी के पास कहाँ है आपके 74-75 विधायक, काम कर रहे हैं कुछ बिहार में? सरकार तो लाचार है, बेबस है, मजबूर है। अब इनकी लाचारी पर, बेबसी पर तरस आती है, बेचारे बोलेंगे क्या? इनकी तो पोल खुलकर सरकार की रह गई है, ये डबल इंजन की सरकार। अब बताइए, गंगा माँ के गोद में जिस तरह से सब तैर रहे हैं, लाशों का भरमार पड़ा है, जिंदे जीते जी तो सरकार ऑक्सीजन, दवाई, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर नहीं दे पा रही है।